क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। अब आप कह सकते हो कि जो उनका असर समाप्त हो चुका है तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं अभी हमारा असर शेष है, बाकी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असर। सांसद जी, जिस तरीके से आपने बीते महीनों में प्रियंका गांधी को, प्रियंका वाड्रा को चैलेंज किया था कि कैसरगंज से आकर चुनाव लड़ने, फिर चैलेंज करते हैं, एक संदर्भ था और उस संदर्भ में मैंने कहा था, आज भी आ जाए तो स्वागत है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या बीजेपी आलाकमान इस बार कोई ऐसा फैसला सुनाएंगे जिससे कि देश की आवाम खुश होती हुई नजर आए, देश की जो महिलाएं हैं वह वाहवाही करती हुई नजर आए। दरअसल हम बात कर रहे हैं महिला पहलवानों के बारे में जिन्होंने आरोप लगाया बीजेपी से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर। जिस तरह से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए पूरे ही देश भर में देखा गया कि कैसे महिला पहलवान चीखती चिल्लाती हुई न्याय की मांग करती हुई नजर आई, पीएम मोदी से कहती हुई नजर आई कि आखिरकार वह चुप क्यों है। क्या इस बार यहाँ पर मोदी, शाह और जेपी नड्डा ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देने पर फैसला लेंगे या फिर तर्कनार कर दिया जाएगा। नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिनेश। दिनेश, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए। वह कहते हैं कि परिवार के किसी सदस्य को भी वह टिकट नहीं दिलाना चाहते, वह खुद ही कैसरगंज से एक बार फिर से चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो यूपी में अभी देखा जाए रायबरेली और कैसरगंज जहां से अब तक बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि खुशखबरी जल्द से जल्द मिलेगी, लेकिन क्या वो खुशखबरी यहाँ पर उनके पक्ष में ही होगी या फिर नहीं? सबसे पहले यहाँ पर ब्रजभूषण का वो बयान दर्शकों को सुना देते हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली, तो क्या लगता है आपको कि इस पूर्वांचल पे भी इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, उनका यहाँ पर कोई असर उनका, प्रियंका जी का और राहुल जी का हमारे इस पूर्वांचल पर कोई असर नहीं है। उनका असर जो होगा अमेठी में होगा, जो असर होगा रायबरेली में होगा वो भी उनको पता चल जाएगा, लेकिन मेरे इस क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। अब आप कह सकते हो कि जो उनका असर समाप्त हो चुका है तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं अभी हमारा असर शेष है, बाकी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असर। सांसद जी, जिस तरीके से आपने बीते महीनों में प्रियंका गांधी को, प्रियंका वाड्रा को चैलेंज किया था कि कैसरगंज से आकर चुनाव लड़ने, फिर चैलेंज करते हैं, एक संदर्भ था और उस संदर्भ में मैंने कहा था आज भी आ जाए तो स्वागत है, कोई दिक्कत थोड़ा है। हाँ, तो ये विलंब क्यों, इसके पीछे कोई कारण है और कोई बहुत अच्छा कारण है। कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी, यानी जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना, अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। तो जिस तरीके से समर्थक है, इसके मतलब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अगले कैंडिडेट ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे। अब ये तो हमारा निर्णय नहीं, मतलब आपके कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिलने वाली है, हमारे कार्यकर्ताओं को खुशखबरी कोई बहुत बड़ी मिलने वाली है। अब यही देखना होगा दिनेश कि ब्रजभूषण शरण सिंह कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे, प्रियंका गांधी को चुनौती दे रहे हैं केसरगंज से उतरकर दिखाएं और उनका स्वागत है, और दूसरी ही तरफ वह टिकट मिलने की बात पर भी यहां पर खुशी जाहिर करते हुए नजर आए हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को पूरी उम्मीदें हैं कि टिकट मिल ही जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। मैंने देखा जिस तरीके से पिछले दिनों 17 अप्रैल को जब राहुल जवानी कोर्ट में उनकी पेशी थी उस दौरान भी बड़े खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जो राम ने रच रखा है वही होना है और चिंता मुझे कोई नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका के फैसले से संतुष्ट नजर आ रहे होंगे। उन्हें पहले इस चीज का अंदेशा होगा कि उनको सजा नहीं मिलेगी, वे मामले में बरी छूट करके आएंगे, क्योंकि जिस आधार पर देश के शीर्ष खिलाड़ियों ने जो धरना प्रदर्शन किया था प्रांशु, हमने देखा एक महीने तक मीडिया से लेकर के और तमाम यहाँ पर राजनीतिक दलों की तमाम प्रतिक्रियाएं आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े हुए कि आखिरकार जिस महिला सम्मान की बात प्रधानमंत्री करते हैं, आखिरकार उन्हीं की कैबिनेट में, उन्हीं की सरकार में ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने महिला खिलाड़ियों के साथ दुष्कर्म किया है, जिन्होंने महिला खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रताड़ित किया है, यानी कि साफ तौर पर मोदी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो गए थे।
देश में एक ऐसा माहौल बन गया था कि आखिरकार प्रधानमंत्री इतने छोटे छोटे मुद्दों पर भुगते हैं तो बृजभूषण शरण सिंह को लेकर शांत क्यों है। लेकिन अभी जब चुनाव का वक्त आया है तो ऐसे में बीजेपी इस असमंजस में जुटी हुई है कि बृजभूषण शरण सिंह की जो छवि खराब हुई थी लोकसभा चुनाव में, उसका नतीजा कहीं ना कहीं जो विपरीत होने वाला है वो उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना ना पड़े, ऐसे में कहीं ना कहीं चुप्पी साध रखी है और अभी तक फैसला नहीं किया गया है। और बृजभूषण शरण सिंह की टिकट कटने की संभावनाएं अधिक नजर आ रही हैं, बशर्ते कि उन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी उतारे, क्योंकि यहाँ पर महिला खिलाड़ियों ने भी यह ऐलान कर दिया है कि यदि बृजभूषण शरण सिंह फिर से चुनाव लड़ते हैं, फिर से उनको ताकत मिलती है, तो ये वाकई में कहीं ना कहीं हमारी हार होगी, देश की महिलाओं की हार होगी। और जिस तरीके से एक आरोपी को फिर से कोई बड़ी नेशनल पार्टी यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारती है तो ये वाकई में कहीं ना कहीं जो कार्यशैली है उसको लेकर भी सवाल खड़े करेगा। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह से बार बार खुशी जाहिर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीदें तो है ही कि बीजेपी टिकट देगी, लेकिन अगर बीजेपी को यहाँ पर अपनी छवि की फिक्र है, बीजेपी को यहाँ पर 400 के पार आंकड़ा वाकई में दिखाना है तो बीजेपी यहाँ पर वो कोशिश करती हुई भी तो नजर आ सकती है कि उन्हें दरकिनार कर दिया जाए। अगर दरकिनार कर देते हैं तो बीजेपी को एक भारी नुकसान तो होगा ही, लेकिन क्या यहाँ पर विपक्षी दल फायदा उठाएंगे, क्या कुछ उम्मीदें लगती हैं यहाँ पर विपक्षी दलों के कुछ दलों की तरफ से कि उन्हें ऑफर दिया जा सकता है, एक वक्त सपा का हिस्सा भी रह चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ पर प्रांश जी आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया और ये कहा कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह अभी तक आश्वस्त नजर आ रहे हैं, आखिरकार बीजेपी किस आधार पर उन्हें चुनावी मैदान में उतारेगी। और दूसरी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से जब ये सवाल किया गया कि क्या आप बृजभूषण शरण सिंह को चुनावी मैदान में उतारेंगे यदि वे आपकी पार्टी में शामिल होते हैं, ऐसे में उन्होंने कहा कि विचार करेंगे, यानी कि साफ तौर पर कोई हार्ड एंगल उन्होंने नहीं रखा, एक कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट एंगल रखते हुए ये कहा कि हम विचार करेंगे यदि वे हमारी पार्टी में शामिल होते हैं तो जरूर इस चीज पर विचार किया जाएगा। लेकिन जब खिलाड़ी इस तरीके की मांग कर रहे हैं और आखिरकार जयंत सिन्हा, यहाँ पर वरुण गांधी की बात कर ले, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात कर ले, ये ऐसे चेहरे रहे हैं जिन्होंने विवादित बयान दिए हैं और कहीं ना कहीं अपनी सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए हैं, उन तमाम लोगों के टिकट काट दिए गए हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तो उनसे भी गंभीर आरोप दर्ज हैं और अब देखना ये होगा कि जिन 40 सीटों की यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी जिनको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गोंडा के आसपास की 40 सीटों पर जो है राजपूत समुदाय की बहुतायत है और वहां पर बृजभूषण शरण सिंह का एक अच्छा खासा वर्चस्व देखने को मिलता है, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा है। तो ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव है और यहाँ से यदि बृजभूषण शरण सिंह की टिकट कटती है, जाहिर तौर पर वे किसी अन्य राष्ट्रीय दल का यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है समर्थन करते नजर आ सकते हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और ऐसे में चुनावी ताल ठोकते हुए भी नजर आ सकते हैं। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा यहाँ पर, डिंपल यादव ने भी कई बार उन पर बयान दिया है, अखिलेश यादव भी बयान देते हुए नजर आए हैं, क्या अगर बृजभूषण को यहाँ पर बिल्कुल उम्मीद उनकी टूट जाती है, अगर वह खुद रुख करना चाहे तो क्या स्वीकार कर पाएंगे डिंपल यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव? देखिए, अभी इसकी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लगभग अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और यहाँ पर तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने के बाद उम्मीदवार परिवर्तित भी किए गए, तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का कहीं ना कहीं सियासी लाभ उठाने के लिए समाजवादी पार्टी ये कदम उठा सकती है यदि वे ज्वाइन करते हैं। लेकिन बीजेपी नहीं चाहेगी कि उसकी साख पर कोई दाव लगे, यहाँ पर लगातार जिन विवादित चेहरों को साइडलाइन करते गए हैं बृजभूषण शरण सिंह भी उसी लिस्ट में सबसे आगे हैं और अब बीजेपी पिछले दिनों जिस तरीके से चुनाव समिति की बैठकें हुई थी उस दौरान केतकी सिंह जो उनकी पत्नी है, गोंडा से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको चुनाव लड़वाने की यहाँ पर कोशिशें कर रही थी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह कहना चाहते हैं कि मैं खुद ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ और इसी आधार को देखते हुए आगे आने वाले वक्त में फैसला होने वाला है और ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी कुछ ही दिनों में यहाँ पर कि बृजभूषण शरण सिंह क्या समाजवादी पार्टी में जाएंगे या फिर उनका सियासी जो है करियर है उस पर एक ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। वाकई, क्या वाकई में अब उस सियासी करियर पर ब्रेक लग जाएगा या फिर नहीं, इस पर अब यहाँ पर सवाल उठते हुए तो नजर ही आ रहे, देखना होगा। विनेश फोगाट जो कह चुके हैं एक बार फिर से आंदोलन छेड़ देंगे अगर यहाँ पर उन्हें टिकट मिल जाता है तो, अब बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार बेटियों को देखेगी या फिर अपने सांसद को, ये देखना यहाँ पर काफी ज्यादा अहम होगा। 26 अप्रैल को कोर्ट में फिर से सुनवाई है और कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आता है या फिर ये मामला और भी लंबा खिंचता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।